एक दोस्त हैं जी, उनका नाम है लविन, मैं इनको नाम लविन रखूँगा थोड़ा प्राइवेसी के लिए। लविन साहब इंडिया से आए हैं 7 महीने पहले, $2700 की जॉब कर रहे हैं रेस्टोरेंट में एज ए वेटर, कैश जॉब, विजिटर वीज़ा पे आए हैं, असाइलम अप्लाई कर दिया है। मेरे मैंने इंग्लिश अच्छी नहीं आती, 12वीं पास हैं बस, ठीक है, मुझे पूछ रहे हैं कि क्या करें। सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप मेरे CSF के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, आप इंडिया जल्दी जल्दी आ गए, यहाँ पे आके इधर उधर फंसने के आपने सीधा असाइलम अप्लाई कर दिया। आप यू नो, मैं नहीं कहता हर सूरत में, हर सिचुएशन में असाइलम बेस्ट है, बट इनकी किसी सिचुएशन ये है कि इनको विजिटर वीज़ा पे थे एंड ऑल दैट स्टफ, तो इनके लिए बिल्कुल सही हुआ है। ये स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते तो फिर सारा फीसे फूसे देते रह जाते, इससे अच्छा है कि एक बार असाइलम अप्लाई किया और यहीं पर रह लिए, आराम से नेपाल मूल के रास्ते इंडिया जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कहते हैं ना असाइलम एक पंगा आता, भी अपने देश नहीं जा सकते कभी, कोई ऐसी बात नहीं है, सारी दुनिया जा रही है, तरीके ढूंढ लेना आप भी, बहुत तरीके हैं। $2700 कोई अच्छी, कोई बड़ी कम सैलरी नहीं, अच्छी सैलरी कह रहे थे यार, 12 घंटे लगाने के बाद सिर्फ 2700 मिलते हैं। मैं कहा नहीं, कोई बुरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं कहा अपना एक्सपीरियंस लो, रेस्टोरेंट खोलो, अपना रेस्टोरेंट खोलने का टारगेट बना लो और कुकिंग सीख लो। मैंने उनको ये एडवाइस दिया कि कुकिंग सीखो, अपना रेस्टोरेंट खोलने का टारगेट बना लो, 100-150K का टारगेट आया था। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे मेरे से, उनके आंसर दे देता हूँ। उन्होंने पूछा कि मैं इंडिया में बिज़नेस सेट करूँगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं, मेरा प्रिंसिपल है कि इंडिया में पैसे नहीं भेजने। देखो आपकी कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, आपने कुछ लोन वोन लिया हो सकता है, उसको उतार दो इंडिया में, वो जल्दी जल्दी ऐसे फटाफट उतरेगा। $2700 बहुत होते हैं, 2 लाख रुपये हैं, 20-25 लाख लेकर भी आए हैं तो एक साल में उतर जाएगा, 6-7 महीने में शायद उतर जाए, ठीक है। ये हो गया, अगला आ जाता है ठीक है कि बिजनेस, ये तो हो गया बिल्कुल। और दूसरी चीज़ लोन ऑब्लिगेशन बात आप कर सकते हो, घर वालों को भी थोड़े पैसे देने आपके बनते हैं, अच्छी बात है, उनको भी दे दो। उनको तो फिर ऐसा ना इमीडिएटली देनी जरूरत है ना, आप उनको 25-30-40-50 हज़ार रुपये महीना देना स्टार्ट करो, ठीक है, $700-800, बाकी पैसे जोड़ने स्टार्ट करो, जोड़ के अपना रेस्टोरेंट खोलना ही टारगेट रख लो, 2-3 साल के अंदर अंदर रेस्टोरेंट खुल जाए, 2 फ्रेंड्स मिलके लो, ठीक है ना, शेफ, यू नो 2 साल फिर कल ही लो, पर शेफ खुद बन जाओ, ठीक है। पहले वाला चलो, पहले शुरू में 2 फ्रेंड्स मिलके लो, जल्दी खुल जाएगा, उसको चलाओ, जैसे ही पैसे इकट्ठे हों अपना रेस्टोरेंट अलग कर लो, बस 2-3 साल में आप अपना रेस्टोरेंट अलग कर सकते हो। पहले पहला वाला रेस्टोरेंट अलग कर लो, बेस्ट है, कोई बड़ा बुरा ही नहीं है, थोड़े पैसे भरा इंडिया, पहले लोन ऑब्लिगेशन ख़त्म करने के बाद बाकी पैसे अपनी जेब में रखो। बिजनेस इंडिया में करना, बिजनेस इंडिया में, याद रखिएगा एक सिंपल सा मैंने प्रिंसिपल दिया है, जो पैसे इंडिया गए वो इंडिया के हैं, वो आपके नहीं हैं, वो इंडिया में जो रह रहा है उसके हैं। आपने प्रॉपर्टी बनाई, चाचा को दे दी, मामा को दे दी, तो वो मामा की है, वो मामा वहाँ रह रहा है, चाहे आपके नाम है, जो मर्जी है, वो आपकी नहीं है, वो उनकी है, याद रखिए इस बात को, बेसिक प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ मैं। बिजनेस कभी सेट नहीं करना, अगर आप बिजनेस सेट करोगे इंडिया के अंदर, सोच रहे हो वो जो बिजनेस सेट करने वाला है, चाहे वो चाचा है, चाहे मामा है, चाहे चाचा का बेटा है, चाहे मामा का बेटा है, चाहे मासी का बेटा है, चाहे बुआ का बेटा है, जो मर्जी है, चाहे कोई दोस्त है, हर दूसरे दिन ये बोलेगा कि नुकसान हो गया, पैसे भेज दे, और वो आप उसके लिए आप सिर्फ पैसे कमाने का धंधा बन जाओगे, उसने कोई बिजनेस नहीं करना, जो मर्जी बिजनेस कर लो, याद रखना सिर्फ नुकसान में जाया करेगा, हर बार सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा इंडिया के बिजनेस में, और वो आपसे पैसे खींचने का धंधा होगा, और जितनी सारी इन्वेस्टमेंट होगी सारी भाग चले जाएगी, वो ये कहेगा अगर आप मुझे अभी $25,000 दे दोगे तो पुरानी इन्वेस्टमेंट बची रहेगी, नहीं तो वो भी जाएगी। वो $25,000 देने के बाद हर 3 महीने बाद ऐसे बोला करेगा $25,000 और दे दो, नहीं तो पिछली इन्वेस्टमेंट सारी चली जाएगी। यह बड़ा कॉमन डायलॉग है इंडिया के अंदर, जब आप पैसे, देखिए मैं इंडिया के लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर जब अमेरिका के लोग हैं जो इंडिया पैसे भेजते हैं, उस मूर्खता के अगेंस्ट हूँ। इंडिया के लोगों के लिए अपने धंधे बने हुए हैं, वो इस तरह से काफ़ी कुछ कर सकते हैं, सिर्फ कमा सकते हैं, अमेरिका के लोगों के लिए अपने धंधे बने हैं। ये उसने सबसे गलत चीज़ की थी, जो मेरे को बड़ा डरा गई और मैं घबरा गया, कहता मैं असाइलम में यहाँ काम करूँ, इंडिया जा भी नहीं सकता, तो ब्रदर एक बात बता, तो इंडिया में बिज़नेस कैसे करने की बात करें, मेरा भाई के नाम पर करूँगा, मेरे कज़न के नाम पर करूँगा, मैं क्या बोल रहा है। तो मेरे सारे CSF प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ये बड़ा कॉमन है, लोग पैसे इंडिया भेजी जाते हैं। अच्छा वो कह रहा था मैं अल्टरनेटली ट्रक भी चला सकता हूँ, मैं ट्रक चला लो, ट्रक लो अपना ट्रक लेना, बस जल्दी जल्दी लो,
सत्त अठ अठ नौ हज़ार नौ दस हज़ार डॉलर कितने नहीं गए जी अपना ट्रक है था जी। अगर अपना ट्रक है तो नौ दस हज़ार कहीं नहीं गए, ले लो नो इशूज़। लेकिन आई प्रीफर रेस्टोरेंट बिजनेस फॉर पीपल हु आर नॉट एक्सट्रीमली एजुकेटेड। आई प्रीफर ऊबर फॉर देम, आई प्रीफर फ्यू अदर थिंग्स। ट्रकिंग को मैं थोड़ा सा नहीं इतना लाइक करता, ट्रकिंग में पैसा अच्छा है, चलेगा वो भी, लेकिन सर उसमें है कि हेल्थ इश्यूज़ आते हैं पैरों पूरों में। लेकिन 12-13 अभी 27 साल का है, 12-13 साल हैं, कर भी सकता है, 30-40 साल 41 साल की बात नहीं कर सकता बंदा। चलिए तो सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज़ यही है कि चाहे जो जो इंडिया में बिज़नेस नहीं करना, अगर आप अमेरिका रह रहे हैं, याद रखिएगा जो भी आपका बंदा बिज़नेस कर रहा होगा बेच के खाएगा आपको, हर सारा पैसा गबन कर जाएगा, सारा पैसा खा लेगा, ठीक है। बल्कि आपको उनको बताना नहीं है कि आप कमा रहे हो, कहो मेरी अभी भी सैलरी बस $1500 है और मेरे को बस 2-1 लाख रुपये आता है, उनकी हेल्प करते रहोगे, मैं पेट काट काट के तुम्हें 40-50 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, क्योंकि इतने इतने पैसे दे रहा, कहना ये मैंने उधार लेके दिए हैं। कभी ना बताओ उनको मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है, वो क्या करेंगे? अगर आप उनके साथ बिज़नेस नहीं भी कर रहे, हर दूसरे दिन आ जाएंगे, मेरा नुकसान हो गया, मेरा खुद के बिज़नेस में मेरा नुकसान हो गया, मेरे अपने कहेंगे मेरे अपने बिज़नेस में मेरा नुकसान हो गया, अपना बिज़नेस का कोई ना कोई नुकसान दिखा दिखा गया, अरे मेरे को परेशान हो गया। एक इंडिया में एक बात बताता हूँ, मई 24, 2024 चल रहा है, इंडिया में जो बंदों का स्केल है वो ये है कि 20-25 लाख रुपए की उनकी आमदनी है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी आमदनी है, उसको करने के लिए उनको 50-60 लाख रुपए कैपिटल चाहिए होती है। मेरा एक बंदा है जो करोड़ों कमाता है, आई नो अ फ्रेंड हु मर्न्स 2-3 करोड़ अ ईयर इन अमेरिका, यानी कि उनकी $5-6 लाख की उनकी इनकम है, उसमें से सारे पैसे बचा लेता है, उसके खर्चे बड़े कम है, घर भी नहीं लिया उसने, खर्चे उसके बहुत कम है, पैसे सारे बचा लेता है, ठीक है। अब उसकी बात सुनते हैं, मैं आपको उसकी बात बताता हूँ। कह रहा है मेरा फादर इन लॉ कह रहा है कि मेरा 6 करोड़ का नुकसान हो गया। अबे साले ऐसा कौन सा बिजनेस करता है, वो अंबानी है क्या, वो 60-60 करोड़ के जो सट्टे खेलते, 6 करोड़ का नुकसान हो गया। कहते मैंने 6 करोड़ का नुकसान कैसे कर लिया? कहता नहीं नहीं वी वाज मेकिंग, मैं कहा वी वाज मेकिंग बिग मनी देन, ही वेयर इज इट मनी, व्हाई हाउ कुड ही लूज 6 करोड़? इफ ही लूजेस 6 लाख 10 लाख 20 लाख इट मेक्स सेंस, हाउ कैन ही लूज 6 करोड़? ये यही चक्कर है उसको। मैं कहा अगर मान लो तू ना होता तो कैसे हेल्प करता? नॉर्मली जो सैलरी होती है इंसान की 50-60 लाख होती है अमेरिका में, अगर तुम ना होते तो कैसे करते फिर? मैं बताता हूँ, अगर वो ना होते तो नुकसान भी ना होता। उस अंकल जी ने, उसके फादर इन लॉ ने जो नुकसान का जो ड्रामा किया ना, ये ड्रामा ही इसलिए किया है क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरे जमाई की जो सैलरी कमाई है बहुत ज़्यादा, तो सारे पैसे खींचने के हिसाब से तो बड़ा नुकसान दिखाया है। ये हराम ये तेलुगु बंदा है, वो तेलुगु बंदे हैं ये सारे, जो मैं पहले बता रहा था वो पंजाबी बंदा है, अभी बंदा बता रहा हूँ तेलुगु, सब जगह सेम है बात, वो नहीं है कि तेलुगु ज़्यादा खराब है, कह रहा हूँ तेलुगु तो बड़े फैमिली वाले होते हैं, फिर भी उनमें भी ये चीज़ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बल्कि वैसे फैमिली वाला सारा हिंदुस्तान है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट तेलुगु जो है तेलुगु तेलुगु को कैसे कभी भी बड़ी हेल्प करते हैं, लेकिन तेलुगु तेलुगु यहाँ पे आप नोट करो, फादर इन लॉ इसको बेच के खाने को तैयार खड़ा है। ये याद रखना इस बात को, ये सारी बातें याद रखना। इंडिया में किसी भी बिजनेस में जिसमें फुल्ली डेली इन्वॉल्वमेंट, उसमें पैसे नहीं लगाने हैं। अगर आप अमेरिका में रहते हो तो बिल्कुल नहीं लगाने हैं, इंडिया जाने के बाद लगाने, अगर आप इंडिया जाने का रिटर्न कर रहे हो। वैसे तो मेरा एक वीडियो बनाया हुआ, कभी आप जा नहीं पाओगे, फिर भी अगर आपने प्लान किया है तो आपने इंडिया जाने के बाद लगाने, और मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर आपने इंडिया जाना है तो आप प्लॉट्स लो, राइट, नहीं तो अमेरिका में अपनी प्रेजेंस बनाओ। दिस पर्सन विल नेवर बी एबल टू गो बैक टू अमेरिका, जो लवी भाई है, लवीन भाई है, कभी भी जा नहीं पाएंगे। इनके लिए तो सिंपल सा फंडा है कि आप यहीं पर बनाओ जो बनाना है, क्योंकि आप साइलम डिक्लेयर कर रहे हो तो आप कैसे जाओगे इंडिया, राइट, तो आप बिल्कुल भी इंडिया के अंदर बिजनेस नहीं कर पाओगे, आपको कभी आप इंडिया जा ही नहीं सकोगे। आप एक एक पैसा जो इंडिया भेजोगे सारा सारा वेस्ट जाएगा, आपने यहीं पे बनाओ अपनी स्टैंडिंग। विद इन 2 ईयर्स अगर ये बंदा गलतियां ना करे, रेस्टोरेंट खोल सकता है अपना, विद इन 2 ईयर्स अपनी ऊबर चला सकता है, विद इन 2 ईयर्स अपना ट्रक खरीद सकता है, बहुत बढ़िया कर सकता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यू राइट। तो इसलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने को इस तरह से करना है, ठीक है। मैंने सारे जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे उसके आंसर आप लोगों को भी दे दिए। दिस आर द लेसन्स फॉर एनी बडी हु इज इन अ सिमिलर सिचुएशन और इज प्लानिंग टू कम हियर। थैंक यू गाइस।